नमस्ते इंडिया। गर्मियों के दिनों में बालों के ऊपर जो है वो तेल की परत जम जाती है, और ये मौसम है ही ऐसा, हर चीज़ को ऑयली बना देता है। दरअसल आप जब भी बाल धोते हो तो उसके दूसरे ही दिन बाद बाल जो है वो बहुत ही ऑयली दिखने लग जाते हैं, और ये जो ग्रीसी वाले बाल है वो ना तो सिर्फ दिखने में अच्छे लगते हैं बल्कि धुले हुए भी नहीं लगते हैं। तो ऐसे में आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। आज हम कुछ ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि गर्मियों के दिनों में जब खूब सारा स्कैल्प पर ऑयल जमा होने लग जाता है, और आपके धुलने के बाद दूसरे ही दिन आपके जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो इस दौरान आप कौन से घरेलू नुस्खे अपना कर अपने इस जो ग्रीसी वाले बाल हैं उससे आप कैसे पीछा छुड़ा सकते हो। चलिए बात करते हैं कि कैसे आप घरेलू नुस्खे अपना कर अपने इस ऑयली हेयर से, अपने ऑयली बालों से आप कैसे पीछा छोड़ सकते हो। इसके लिए आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके घर पर ग्रीन टी नहीं है तो आप ब्लैक टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस नुस्खे का आपको कैसे यूज़ करना है, आपको ठंडे पानी के अंदर ग्रीन टी जो है वो मिला लेनी है, यानी कि ग्रीन टी ठंडे पानी में बना लेनी है। फिर इस पानी से अपने बालों पर इसको 15 से 20 मिनट तक अपने बालों पर लगाए रखना है, यानी कि आपने जो ग्रीन टी बनाई है जो ठंडे पानी वाली, उसको अपने बालों पर, अपने स्कैल्प पर लगा देना है। फिर 15 मिनट बाद आप अपने बालों को धो सकते हो। देखिए, ग्रीन टी के अंदर कैफिन होता है, और कैफिन के जो एसिडिक गुण होते हैं वो आपके जो स्कैल्प के ऊपर जो एक्सेस ऑयल निकलता है, जो बहुत ही ज़्यादा ऑयल निकलता है, उसको सोख लेता है, और साथ ही में आपके बालों को एकदम मुलायम और सॉफ्ट भी बना देगा। इस दौरान आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, एलोवेरा जेल जो है वो ना तो सिर्फ आपके ऑयली बाल को कंट्रोल करेगा बल्कि जो डैंड्रफ होता है उसको भी दूर करने में मदद करेगा। तो आप ताज़ा एलोवेरा जेल निकाल कर अपने बालों पर 15 से 20 मिनट तक लगाए रखें, फिर उसको भी साफ़ पानी से, अच्छे पानी से धो लें। आप इसका असर बढ़ाने के लिए उसके अंदर टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें भी मिलाकर 10 से 15 मिनट तक लगाए रखने के बाद आपको अपने बाल धो लेने हैं। बरसों से ये नुस्खा चला आ रहा है। जब भी चेहरे पर बात आती है कि चेहरा बहुत ही ऑयली हो जाता है, तो उसको सोखने का काम मुल्तानी मिट्टी करता आया है, तो ठीक उसी तरह हम स्कैल्प पर भी मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अपने सर पर भी मुल्तानी मिट्टी लगाई जा सकती है। ये हमारे दादी नानी के उनके भी पुराने नुस्खे हैं, तो ये कभी भी फेल नहीं जाता है। आपको क्या करना है, आपको मुल्तानी मिट्टी और पानी को मिक्स करके एक पतला सा पेस्ट बना लेना है। तकरीबन आपको आधा घंटे तक अपने बालों पर लगाए रखना है, यानी कि अपने स्कैल्प पर लगाए रखना है। फिर अपने बालों को आप आधे घंटे बाद आप धो सकते हो। इससे क्या होगा कि जो सर पर जो ज़्यादा तेल जमा हुआ होता है वो मुल्तानी मिट्टी सोख लेगा। इस दौरान आप टमाटर का एक हेयर मास्क बनाकर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपके स्कैल्प का जो पीएच है उसको भी बैलेंस करने में मदद करता है, और साथ ही में जो तेल सोखने का काम भी करता है। तो आप टमाटर का रस निकाल कर उसके अंदर भरपूर 1 चम्मच आपको मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है। फिर इसको एक पेस्ट बनाकर इन सब से अपने बालों पर एटलीस्ट आधे घंटे तक इसको लगाए रखना है। फिर आप अपना बाल धो सकते हो। जैसे ही आप अपने बाल धोओगे तो इसका रिजल्ट आपको तुरंत दिखेगा। आप पानी के अंदर नींबू का रस ऐड करके भी अपने बालों पर लगा सकते हो। देखिए, नींबू भी जो है वो आपके जो ग्रीसी हेयर है उसको हटाने में मदद कर सकता है। आपको 2 नींबू एक पानी में निचोड़ कर, एक टब पानी में निचोड़ कर उसको अपने बालों पर 10 से 15 मिनट तक लगाए रखना है, फिर अपने बालों को धो देना है। इससे भी जो आपके ग्रीसी हेयर है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा।